नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने सब अनिश्चितता को दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने सब अनिश्चितता के महत्व के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम आउटबीज पादपों में होने वाले निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं उनके न्यूक्लियस के फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको अपन युग्मक संलयन या सिनगैमी भी कह सकते हैं। तो नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को अपन क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन सबसे पहले स्टार्सबर्गर के द्वारा लीलियम के पौधों के अंदर किया गया। फिर आउटबीजी पादपों में मादा युग्मक तो बीजाणु में उपस्थित होता है, जबकि नर युग्मक है जो प्राकोष में स्थित प्रागकणों में बनते हैं। अब ये प्राकण क्या करते हैं? वर्टिकागर की सतह पर पहुंचकर जर्नेट होकर प्रागनली बनाते हैं। और ये प्रागनली का वर्टिका के थ्रू है जो बीजाणु में और बीजाणु से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर उपस्थित एक सेल के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और इसके एम्ब्रियो से सीड, और इसके अलावा है जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो प्रागनली द्वारा नर युग्मक बीजाणु में स्थित भ्रूणकोश की अंड के कोशिका के पास पहुंचते हैं। और इसलिए आउटबीजी पादपों में क्या होता है, किस टाइप का निषेचन होता है? नाल युग्मनी प्रकार का या साइफेनोगैमस टाइप का निषेचन होता है। तो नाल युग्मनी प्रकार का निषेचन या साइफेनोगैमस टाइप के निषेचन का मतलब होता है पोलन ट्यूब वर्तिकागर की सतह पर जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब है जो क्या करेगा, वर्तिकागर की सतह से वर्तिका और वर्तिका से बीजाणु में होते हुए भ्रूण कोष के अंदर पहुंचती है। यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं वो एक नलिका के थ्रू एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करते हैं। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम नाल युग्मनी या साइफेनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आउटबीजी पादपों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो निम्नलिखित प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्राकणों का अंकुरण होता है, और प्राकण कहाँ पर अंकुरित होते हैं? वर्तिकागर की सतह पर अंकुरित होते हैं। फिर अंकुरित होकर क्या करते हैं, प्रागनली बनाते हैं, और प्रागनली वृद्धि करती हैं। फिर क्या करती हैं, प्रागनली का मार्ग जो वर्तिका है, फिर प्रागनली है जो क्या करती है, बीजाणु में एंटर करती हैं। फिर प्रागनली भ्रूण कोष में एंटर करेगी, फिर भ्रूण कोष के अंदर युग्मकों का विसर्जन हो जाता है, और फिर जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्टेप के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है प्राकणों का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का जो अंकुरण होता है या प्राकणों का जो अंकुरण होता है वो वर्तिकाग्र की सरफेस पे होता है। इसके लिए वर्तिकाग्र की सतह पर कुछ अनुकूलताएं भी पाई जाती हैं, जैसे पिटूनिया के अंदर जो वर्तिकाग्र की सतह होती है वो चिपचिपी होती है। इसी प्रकार हाइब्रिडा के अंदर भी जो वर्तिकाग्र की सरफेस है वो कैसी होती हैं, चिपचिपी होती हैं। इसके अलावा कॉस्मोस के अंदर जो वर्तिकाग्र की सतह होती है वो म्यूसिलेज युक्त होती हैं, जो पोलन ग्रेन को आसानी से जगह प्रोवाइड कर सकती है या पोलन ग्रेन को आसानी से ग्रहण कर सकती हैं। लगभग 80% जो एंडियोस्पर्म की फैमिली होती हैं उनके अंदर जो प्रोटीन जो वर्तिकाग्र होती है वो जलरागी प्रोटीन से युक्त होती है, यानी कि जल कोशन करने वाली प्रोटीन से युक्त होती हैं। और इसकी सतह पर है जो वर्तिकाग्र की जो सरफेस होती है वो पेपिला में रोम युक्त होती है, यानी कि इसकी सरफेस पर बहुत सारे पेपिलाइट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका जर्मिनेशन पीरियड कितना होता है। तो जनरली कुछ पोलन ग्रेन हैं जो यानी कि वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते ही कुछ समय बाद में जो जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ को जर्मिनेट होने के लिए घंटे भी लग जाते हैं, कुछ को जर्मिनेट होने के लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है या दिन भी लग जाते हैं। तो जर्मिनेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद प्रागकण के अंकुरण या जनन नलिका के विकास में जो समय लगता है उसे अंकुरण काल या जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं। तो जर्मिनेशन पीरियड क्या है, पोलन ग्रेन के अंकुरण में लगने वाला समय वो कहलाता है अंकुरण काल या जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल रिशेडा के अंदर पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, जिया मेज के अंदर 5 मिनट लगते हैं, बीटा वल्गेरिस के अंदर 2 घंटे लगते हैं, जबकि गेरिया इलेप्टिका के अंदर लगभग 2 दिन लग जाते हैं वर्तिकाग्र की सतह पर पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने में।
आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो एक फ्लोर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है, या अनुदैर्ध्य परिच्छेद का डायग्राम है। इसके अंदर ओवरी और ओवरी पर जर्मिनेट होते पोलन ग्रेन्स को दिखाया गया है। तो ये जो अपर वाली सरफेस है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा पर बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं। फिर जो इसका ये वाला बीच वाला भाग इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसको ओवेरी कहा जाता है। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और इस ओव्यूल की एक स्ट्रक्चर है जो ओवेरी के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर की तरफ है जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर बीजाणु द्वार सिरे की तरफ तो एक 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 अपार्टस होता है, जबकि कैलेजल सिरे की तरफ है जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो पोलन ट्यूब क्या, पोलन ग्रेन क्या करेगा, वर्तिकाग्र की सरफेस पर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन ट्यूब वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचती हैं, ओव्यूल्स के अंदर, और ये ओव्यूल से होते हुए ओव्यूल के बीजाणु द्वारी सिरे से होते हुए कहाँ एंटर करती हैं, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष के अंदर एंटर करती हैं। और भ्रूण कोष के अंदर एंटर करने के बाद में जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो भ्रूण कोष के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, फिर वहाँ पर इनका फ्यूजन या निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्राग नली की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमेशा जो प्राग नली की लंबाई है वो वर्तिकाग्र की लंबाई पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा वर्तिका लंबी होगी पोलन ट्यूब की लेंथ भी उतनी ज़्यादा लंबी होती है। जैसे बीटा वल्गेरिस के अंदर तो जो पोलन ट्यूब की लंबाई है वो कुछ मिलीमीटर की लंबी होती हैं, लेकिन मक्का के अंदर इसकी लेंथ है जो 45 सेंटीमीटर होती हैं, यानी कि पोलन ट्यूब कितनी लंबी होती हैं, 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। सामान्यतः क्या होता है कि एक प्रागकण से केवल एक प्राग नलिका ही बनती है, लेकिन ऐसे प्रागकणों को अपन क्या बोलते हैं, एक नली की प्रागकण या मोनोसाइफोनस पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन कुछ पादपों के अंदर एक प्रागकण से एक से अधिक प्राग नलिकाएं उत्पन्न होती हैं। एक पोलन ग्रेन है और उससे बहुत सारी पोलन ट्यूब है जो जर्मिनेट होती हैं, तो ऐसे प्रागकण को अपन क्या बोलते हैं, बहुनलिकीय प्रागकण या पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन कहा जाता है। जैसे एल्थिया रोजिया के अंदर एक पोलन ग्रेन से कितनी पोलन ट्यूब डेवलप होती है, 10। इसके अलावा मालवा नेग्लेक्टा के अंदर कितनी पोलन ट्यूब डेवलप होती हैं, 14 पोलन ट्यूब डेवलप होती हैं। अब जो ये बहुत सारी पोलन ट्यूब बनती हैं इनमें से केवल एक पोलन ट्यूब है जो फंक्शनल या क्रियाशील रहती है, बाकी सारी है जो बाकी सभी की वृद्धि है जो रुक जाती हैं। इसके अलावा एमेंट फेरी वर्ग के सदस्य होते हैं, उनके अंदर जो प्राग नलिका होती है वो साखित होती है या ब्रांच्ड होती हैं, और उस ब्रांच्ड जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा कैलोट्रोपिस माइमोसा के अंदर जो प्रागकण का प्राकोष से विसर्जन होता है वो प्रागपिंड या चतुष्कोर के रूप में सामूहिक रूप से होता है, यानी कि जो कैलोट्रोपिस और माइमोसा होते हैं उनके अंदर जो पोलिनिया होती हैं, पोलिनिया के अंदर जो जितने भी प्रागकण होते हैं वो एक साथ जर्मिनेट होते हैं, और प्रागनली की जो ग्रोथ होती है वो सदैव एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल में होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो वर्तिकाग्र की सरफेस का अनुकूलनता का डायग्राम है। तो डायग्राम ए है जो प्राकणों पर वर्तिकाग्र पर चिपकना, यानी कि जो वर्तिकाग्र की सरफेस होती है वो चिपचिपी होती हैं, तो इजीली है जो पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर चिपक जाते हैं। बी जो डायग्राम है वो क्या करते हैं, वर्तिकाग्र की जो सरफेस होती है या पेपिला में रोम होते हैं वहाँ पर पोलन ग्रेन है जो बहुत सारे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये जो डायग्राम के अंदर ये एक पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन दर्शाएगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपन ग्रेन जर्मिनेशन, और क्या करते हैं जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये किसके अंदर कहां पर बनता है, स्टिग्मेटिक टिश्यूज या वर्तिकाग्र की सतह पर जर्मिनेट होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो माइमोसा का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि जो माइमोसा के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो चतुष्क में अरेंज रहते हैं, यानी कि पोलन टेट्राड पाए जाते हैं, और पोलन टेट्राड के जो चारों पोलन ग्रेन होते हैं वो एक साथ जर्मिनेट होकर एक साथ हैं, जो प्रत्येक पोलन ग्रेन के यानी कि प्रत्येक पोलन ग्रेन के द्वारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एक साथ ये टेट्राड में प्रेजेंट है, तो एक साथ हैं जो चार पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब जो आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम दे रखा है वो एक पोलन ग्रेन का है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस या नलिकीय के अंदर ऊपर की तरफ है जो ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ है जो जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसकी आउटर है जो वॉल एंटाइन और एक्जाइन में डिफरेंटेड रहती हैं। एक्जाइन पर है जो जर्म पोर सिचुएटेड होते हैं, और इसी जर्म पोर के द्वारा है जो पोलन ट्यूब है जो जर्मिनेट होती हैं। तो जो अंतश्चोल होती है वो क्या करती हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, और इसके अंदर जो
पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, दोनों क्या करते हैं पॉलन ट्यूब के अग्रभाग में आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस वो एजिट रहते हैं और जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, तो इसके द्वारा कितने मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं और पॉलन ट्यूब का जो पीछे का वह भाग होता है उसके अंदर बहुत सारी रिक्तिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करती हैं, बीजांड के थ्रू जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो निषेचन का, वो है प्राग नली की संरचना और वृद्धि। अब क्या करेगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाता है और ये पोलन ट्यूब क्या करती हैं, अपनी ग्रोथ में इंक्रीज करती हैं या वृद्धि करती हैं। तो प्राग नली क्या करती हैं, वर्तिका में वृद्धि उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। प्राग नली वर्तिका के अंदर एंटर कर जाएगी लेकिन उसकी ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर डिपेंड करती हैं। और इस आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्तिका कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती हैं, खोखली वर्तिका और ठोस वर्तिका। खोखली वर्तिका के अंदर जो वर्तिका की भीतरी सतह होती है उसके ऊपर कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, वो श्लेष्मा पदार्थ का स्त्राव करती हैं और ये श्लेष्मा पदार्थ क्या करता है, जो पाथ होता है पोलन ट्यूब के एंटर करने का उसको चिकना बनाती हैं ताकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है जो आसानी से हो सकती है, या प्राग नलिका की वृद्धि में ये मेटेरियल है जो सहायक होता है। इसके अलावा जो ठोस वर्तिका होती हैं, ठोस वर्तिका हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू से बनी होती हैं और इनके बीच में जो अंतराकोशिक अवकाश होते हैं और इन अंतराकोशिक अवकाशों के बीच में से ही है जो पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है। तो ठोस वर्तिका में प्राग नली की वृद्धि किस कहाँ पर होती है, अंतराकोशिक अवकाशों के बीच में से होती हैं और इस प्रकार की जो वर्तिका है वो ओइनोथीरा, पिटूनिया और दतुरा के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी वर्तिका के बीच में जो उपस्थित उत्तक उपस्थित होते हैं, तो उन उत्तकों का उन उत्तकों को पैक्टिनेज एंजाइम है जो नष्ट कर देता है, तो वर्तिका के बीच में एक पथ या मार्ग बन जाता है ताकि पोलन ट्यूब में जो आसानी से ग्रोथ कर सके या वृद्धि कर सके। अब क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उसकी सारी की सारी जो अंतर्वस्तुएँ होती हैं वो पराग नलिका के अग्रभाग में आ जाती हैं। कहाँ पर आ जाती हैं, आगे वाले भाग में आ जाती हैं। फिर क्या होगा कि कोशिका द्रव्य को पराग नली के अग्र क्षेत्र में सीमित रखने के लिए, यानी कि वापस पीछे जाने से बचाने के लिए इसको क्या करते, इसमें क्या होता है कि जो प्राग नलिका में कैलोज प्लग बन जाते हैं। क्या बनते हैं, कैलोज प्लग बनते हैं। ज्यों ज्यों पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है त्यों त्यों जो कैलोज प्लग है जो बनते जाते हैं। तो इस तरह से पोलन ट्यूब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैलोज प्लग दिखाई देते हैं। अब कैलोज प्लग क्या करते हैं कि जो प्राग नलिका की भित्ति में एक वलय के रूप में विकसित होते हैं। किस रूप में, एक वलय के रूप में, और इनकी वृद्धि है जो प्राग नलिका की अवकाशिका को बंद कर देती है। ग्रोथ होगी तो इसके अंदर जो गैप होता है या ल्यूमेन होता है उसको ये क्लोज कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो प्राग नलिका का शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार पारभासी यानी कि ट्रांसपेरेंट रीजन पाया जाता है जिसे अपन अक्षत ब्लॉक या कैप ब्लॉक कहते हैं, और ये क्षेत्र है जो प्राग नलिका की वृद्धि समाप्त होने पर अदृश्य हो जाता है और इस क्षेत्र में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं और जिनमें जो पॉलीसेक्राइड और आरएनए की अधिकता पाई जाती हैं। अब जो पोलन ग्रेन की वृद्धि दर होती हैं वो अलग 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 जगहों पर अलग अलग होती हैं। तो जो शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन की वृद्धि दर है जो अपेक्षाकृत धीमी होती हैं, और अधिकांश पादपों में जो प्राग नलिका को भ्रूण कोष तक पहुँचने में 24 से 28 घंटे लगते हैं। कितने टाइम लगता है, पोलन ट्यूब है जो एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने में 24 to 28 आवर लग जाते हैं, लेकिन ऑक स्पीसीज यानी कि ऑक की जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक तक पहुँचने के लिए लगभग 12 से 14 महीने का समय लग जाता है। इसके अलावा राइस के अंदर प्राग नली को भ्रूण कोष तक पहुंचने के लिए 12 से 24 घंटे का समय लग जाता है। लैट यूका सेटाइवा के अंदर 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। पोर्चुलेका ओलिरेसिया के अंदर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और क्रिपिस कैपिलरिस के अंदर 1 घंटा लग जाता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसको टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। अगर जो टेम्परेचर है सामान्य ताप पर यानी कि 10 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्राग नलिका की जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्राग नलिका की वृद्धि रुक जाती है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो प्राग नली की संरचना का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, जर्मिनेट होता है। पोलन
पोलन ग्रैन जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो इस पोलन ग्रैन के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है या अंतर वस्तु होती है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब के अग्र भाग में आ जाती हैं। अब पोलन ग्रैन के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी मात्रा को सीमित बनाए रखने के लिए इसके अंदर क्या बनते हैं, कैलोज प्लग बनते हैं। और ये कैलोज प्लग जो जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती जाती है त्यों तो जो बनते जाते हैं। इस तरह से प्राग नलिका के अंदर बहुत सारे पोलन ट्यूब दिखाई देते हैं। डायग्राम बी है जो प्राग नलिका का शीर्ष भाग है, इसके शीर्ष भाग पर पॉलीसेक्राइड्स और आरएनए पाए जाते हैं और इसको अपन बोलते हैं कैप ब्लॉक या इसको बोलते हैं अपन ब्लॉक आच्छद रीजन। फिर इसके अलावा पीछे की तरफ इसके अंदर प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड, स्टार्च ये सब पाए जाते हैं, लेकिन इस भाग में ये सब एब्सेंट रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्राग नलिका का बीजांड और भ्रूण कोष में प्रवेश।